ओए ओए, हम फिर से हाजिर है फुल ऑफ क्रिकेट रोस्टिंग वीडियो लेकर। तो अपने बॉब्जी द किंग से ही वीडियो को शुरू करते हैं। बाबर आजम की भी कल से एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें बाबर आजम अपनी शर्ट उठाकर अपनी फिटनेस ही दिखाना चाह रहे थे। आई थिंक वो क्या है ना भाई, ने मैच जीतना छोड़े हैं, एंटरटेन करना नहीं। फिटनेस तो कहीं नहीं दिखी फैंस को। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। अलबत्ता नान पाई से जो 9-pack एब्स बने थे, उनमें से 2-3 लेयर्स तो दिख गई हैं। वो तो फोटो ब्लर थी, वरना फैंस ने डिलीवरी डेट का भी अंदाजा लगा लेना था। ओहो भाई, फोटो के नीचे फैंस ने जो रिएक्ट किया वो भी दिखाते हैं आप। What? आजम खान अब छोटे पैकेट में भी अवेलेबल है। 6-pack नहीं, ये तो मिल्क पैक है। फिटनेस उफ, 3 months। हे आई मीन द वर्क फॉर 3 months एंड गॉट दिस पैक। 2 दिन कुछ नहीं खाकर फिर पेट दिखा रहा होगा। ही शुड इम्प्रूव हिज फिटनेस। हम भी तो यही कह रहे हैं भाई साहब। और इस फिटनेस लेवल के साथ बाबर आजम को कोहली के साथ कंपेयर करना, मैं कहता हूँ बेचारे कोहली के साथ जुल्म है। ये सिर्फ एक कैंपेन है कोहली का ब्रांड खराब करने की। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि कैमरे का एंगल खराब है। अब कैमरे का एंगल खराब है या बाबर आजम खुद गलत एंगल पे खड़े हैं, हम सभी जानते हैं पाकिस्तान प्लेयर्स का फिटनेस लेवल क्या है। खैर बाबर भाई, आप खाओ जो मन करे, आप फिटनेस के चक्कर में खाना पीना छोड़ दे। सब खा गए, कुछ नहीं बचा। कैरियर का क्या है, जब तक मैनेजमेंट बेवकूफ बनती रहेगी अपना कैरियर चलता रहेगा। ये भी बोला जा रहा है कि बाबर आजम के बिना परमिशन के किसी ने ये वीडियो बनाई है, और अगर ऐसा है भी तो मैं बिल्कुल भी कंडेम नहीं करता इस बात को। काफी दिन हो गए, पीसीबी ने तो कोई फुलझड़ी छोड़ी नहीं है, तो कॉन्टेंट कैसे बनेगा भाई। वैसे ऑनेस्टली मुझे तो यूनुस खान और शाहिद आफरीदी करंट प्लेयर से ज्यादा फिट लगे हैं चैंपियंस लीग में। और बताना ये भी था अपने क्रिकेट फैंस को कि एक पोस्ट भी बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने नेपाल और ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन किया है, और फिर उस पे गालियों की भी डिमांड की है। यार मुझे भी बस लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। मरना तेरे को डर नहीं लगता? इस पोस्ट के पीछे की रियलिटी ये है कि इस बंदे का प्लान था कि मैं अगले 3-4 जन्म की गालियां 4-5 दिन में खा लूं, ताकि बाकी जिंदगी बस दे सकूं। मोहम्मद रिजवान और एमएस धोनी का कंपैरिजन, एज अ पाकिस्तानी मुझे भी नहीं पता ये बंदा कौन सा सस्ता नशा करता है। खैर फैंस तो बहुत रिएक्ट कर रहे हैं, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी एमएस के बहुत फैंस हैं। अरे तुम लोगों का लॉजिक ही गलत है। रिकी पोंटिंग, एमएस धोनी और क्रिस गेल, इन सब ने मेहनत करके इतना फेम कमाया, हमें देखो एक पोस्ट करवा कर पूरा इंडिया पाकिस्तान ही ला डाला। अब दोनों मिलकर गालियां दे रहे हैं। हमें क्या पता था धोनी बनने जाएंगे तो आजम खान बनकर आएंगे। एक बार तो हमें भी लगा ही था फुल टाइम एक्टर पार्ट टाइम क्रिकेटर से थाला धोनी का क्या कंपैरिजन। रिजवान को तो पता भी नहीं होगा कि उसको गालियां पड़ क्यों रही है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। ये सब देखने के बाद रिजवान का मन करेगा कि मैं खुद ही अपने ऊपर 2-3 केस फाइल कर लूं कि मैं पैदा ही क्यों हुआ यार। लेकिन मजे की बात ये है कि हरभजन सिंह भी इस लड़ाई में कूद पड़े। मैटर इंडिया का हो, हरभजन बीच में ना कूदे ये तो मिशन इम्पॉसिबल है। तो इधर जान जा रही है। वैसे तो मैं हरभजन सिंह की बातों को इतना सीरियस नहीं लेता, लेकिन यहाँ पे मैटर ऐसा है कि मैं प्रो सीरियस हूँ। हरभजन सिंह ने भी मोशंस में ज्यादा बोल दिया। व्हाट आर यू स्मोकिंग दीज डेज। बच्ची को इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये सब इरफान पठान की कंपनी का असर है। लेकिन फिर भी मैं एग्री करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी अपनी टीम जो कि टाइटैनिक की तरह बस डूबने वाली है, उसको छोड़कर एक चैंपियन टीम के साथ क्यों अपना लेवल मैच करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, स्पेशली तब जब हम मीनू से भी पिट रहे हैं। आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, किसी ठरकी की तरह बस पड़ोसियों पे नजर रखी हुई है। ओ भाई पहले अपनी टीम को संभाल लो। खैर एक कंट्रोवर्सी और भी फैली हुई है यार। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं, ऐसा लगता है बिग बॉस चल रहा है, रोज कोई नया मैटर निकल आता है। बिग बॉस भी साल में 1-2 बार ही आता है, लेकिन इनकी कॉमेडी आप पूरा साल एंजॉय कर सकते हैं। हसन अली ने एक पॉडकास्ट में बोला है कि हम लोग भी इंडिया गए थे वर्ल्ड कप के लिए, तो उनको भी आना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। फिर भी इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आती तो ना आए, हम फिर भी होस्ट करेंगे। एक तो मुझे इन पॉडकास्ट वालों की भी समझ नहीं आती, इनको बुला क्यों लेते हो। 5 मिनट का पोस्ट मैच इंटरव्यू तो दिया जाता नहीं, 1.5 घंटे के पॉडकास्ट करवा लो इनसे। अरे किसने कहा कि हम लोग पोस्ट मैच इंटरव्यू नहीं दे सकते, हमें बुलाता ही कोई नहीं है। वो क्या है ना, सब मैच विनर टीम के प्लेयर्स को बुलाते हैं और हम लोग मैच ही नहीं जीतते। वो तो शुक्र है पॉडकास्ट में आने के लिए मैच जीतने की शर्त नहीं रखी।
खैर हम तो यही चाहते हैं कि कोहली शर्मा को लाहौर स्टेडियम में खेलता हुआ देखे, पर अभी तक ICC, BCCI और PCB ने इस मैटर पे समझो मुंह में गुड लेकर बैठी है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। यार कंफर्म कर देते तो हम भी टिकट्स का कोई जुगाड़ लगा लेते। When your idol is Babar Azam, 35/25, true fan, Shadab Khan in World Cup, Shadab Khan in Lanka Premier League. नताशा से डाइवोर्स के बाद अपुन रात 2 बजे तक पिया, फिर अगले दिन अपुन को अनन्या पांडे ने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया। 2007 2.7 लाख, 2024 3 लाख, हार्दिक्स वेलकम 3.5 लाख, 1 कैच चेंज लाइफ, T20 आई कैप्टन, इसीलिए तो कहते हैं कैचेस विन द कैप्टेंसी। तो बेटा तुम जो भी हो रहना तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, टीम को जिताना नहीं भाई, एवरेज और रैंकिंग मेंटेन करना हो तो बोल। अनन्या पांडे एंड हार्दिक पांड्या स्टार्टेड फॉलोइंग ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम, पांड्या भाई फिर से फंस गए लड़की के चक्कर में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमारा 1K सब्सक्राइबर्स का टारगेट है तो भाई को सपोर्ट करो यार। हंसते रहे, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।